दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कुल्लू के वाशिंग में पुलिस भर्ती, अब तक 818 युवकों 736 युवतियों ने पास किया मैदान। 33 केंद्रों पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित परीक्षा, 3 पदों के लिए बुलाए गए 6192 अभ्यर्थी। कांग्रेस ने पांवटा साहिब से शुरू की जन जागरण पदयात्रा, लोगों को बताएंगे भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ। नशे में धुत ड्राइवर ने पलटा सीमेंट से भरा ट्रक, गाड़ी में सवार दूसरा चालक भी घायल। अंतर्राष्ट्रीय संस्था JCI का कसौली से सवाल, इतना क्यों शर्माते हो, कचरा क्यों फैलाते हो। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय कुल्लू से 3 किलोमीटर दूर वाशिंग पुलिस मैदान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी है। कुल्लू में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर तक चलेगी, लिहाजा रविवार को भी वाशिंग पुलिस मैदान में काफी अधिक युवा भाग लेने पहुंचे हैं। इससे पहले शनिवार को 1188 प्रतिभागियों ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया, इसमें से 583 ने मैदान पास किया। शुक्रवार को युवतियों की भर्ती हुई थी जिसमें 1400 युवतियों ने हिस्सा लिया, उनमें से 351 युवतियों ने शारीरिक दक्षता को पार किया, लिहाजा अब तक की भर्ती प्रक्रिया में 736 युवतियों ने मैदान प्रक्रिया को पास किया है, जो अब लिखित परीक्षा के लिए योग्य होंगी, जबकि 818 युवकों ने मैदान पास किया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश भर में सेंटर बनाए गए थे। बता दें कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 924 के 3 पदों को भरने के लिए 6192 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के 33 सेंटरों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। बॉयज स्कूल हमीरपुर में परीक्षा के लिए 300 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, इनमें से 137 परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 163 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। और इसमें 137 प्रेजेंट थे और 163 जो थे एब्सेंट, टोटल 300। इसका पूरा SOP जो भी है, उसका पूरे नियम जो है लागू किए गए हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट थे वहाँ पे सैनिटाइजर, डिस्पेंसिंग मशीन, मास्क सबके लिए जरूरी था, और सैनिटाइजेशन जो सीटिंग अरेंजमेंट था उससे पहले किया गया है सारा। भाजपा के खिलाफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र पांवटा साहिब से पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा की शुरुआत पांवटा साहिब के गुरुद्वारा दड़ी साहिब परिसर से की गई। पदयात्रा का नेतृत्व खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस मीडिया प्रभारी और शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बहादुर, पांवटा साहिब के पूर्व विधायक चौधरी किरणेश जंग मौजूद थे। पदयात्रा शुरू करने से पूर्व PCC अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है, और आजादी के बाद जो योजनाएं उन्होंने देश के हित के लिए चलाई, उन्हीं योजनाओं के बल पर आज हमारा भारत विश्व में सिर उठाकर खड़ा है। इससे पूर्व PCC अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया व पुष्पांजलि अर्पित की। आज जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो एक दशक से ज्यादा जेल में रहे और उनके प्रयत्नों से देश को आजादी मिली है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी आज जो है जयंती है। जवाहरलाल नेहरू जी का जहां देश की आजादी में बहुत ज्यादा योगदान रहा, वहां आजादी के बाद जो योजनाएं उन्होंने इस देश के लिए बनाई, जो दीर्घकालीन योजनाएं उनके समय में बनी, उन्हीं योजनाओं की बदौलत जो है देश उन्नति के शिखर पे पहुंचा है। आज हम उन्हें यहाँ हम याद कर रहे हैं। हमारे पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता यहाँ आए, हमने उनकी प्रतिमा
पुष्पांजलि अर्पित की और आज के इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश में जो है जन जागरण अभियान जो है शुरू करने जा रही है। सर जो आज की शुरुआत जो है हम पांवटा साहब से कर रहे हैं, 5 से 10 किलोमीटर हमारे पार्टी के जो साथी हैं हम पद यात्रा करेंगे और जो केंद्र की सरकार है या हिमाचल की सरकार है इनकी जो जनविरोधी नीतियां हैं उन नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे और साथ में जो भ्रामक प्रचार आज देश में चल रहा है, जिस ढंग से आज देश को क्षेत्रवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे बांटने का प्रयास हो रहा है, हम जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को जो है रखेंगे। पूरे प्रदेश में जो है ये 29 तारीख तक इन पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा और मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि जितने हमारे जिले और ऐसे चुनाव क्षेत्र जहां कांग्रेस पार्टी काफी समय से चुनाव नहीं जीत रही है, मैं सभी क्षेत्रों में जाकर जो है खुद पदयात्रा जो है कर रहा हूं और आज इसकी शुरुआत जो है हम पांवटा साहब से जो है करने वाले हैं। सर मुझे लगता है कि रविवार दोपहर करीब 11 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर स्वार घाट से आधा किलोमीटर दूर काली माता मंदिर के समीप एक शराबी ट्रक चालक ने ट्रक को सड़क से पलट दिया। इससे ट्रक गहरी खाई में लुढ़क गया। ट्रक बिलासपुर से कीरतपुर की तरफ जा रहा था। हादसे में ट्रक चालक सहित एक अन्य ट्रक चालक जो लिफ्ट लेकर बघेरी जा रहा था बुरी तरह से घायल हो गया है। ट्रक चालक की पहचान विद्यासागर निवासी अमरपुर तहसील घुमारवी जबकि लिफ्ट लेने वाले दूसरे ट्रक चालक की पहचान राकेश कुमार निवासी रजवाहन तहसील नालागढ़ के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि करते हुए SHO स्वारघाट हरपाल राणा ने कहा कि पुलिस द्वारा इस हादसे के संबंध में आगामी कार्रवाई की जा रही है। पर्यटन नगरी कसौली व गढ़खल बाजार में अंतर्राष्ट्रीय संस्था JCI इंडिया जोन द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। संस्था के सदस्यों ने स्वच्छ कसौली व स्वस्थ कसौली और इतना क्यों शर्माते हो, कचरा क्यों फैलाते हो के नारे लगाकर स्थानीय लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया। इतना क्यों शर्माते हो, गंदा क्यों फैलाते हो, इतना क्यों शर्माते हो, कूड़ा क्यों नहीं उठाते हो। यही नहीं, संस्था के सदस्यों ने सड़कों पर पड़ा कूड़ा कचरा उठाया और कसौली घूमने आए पर्यटकों व स्थानीय दुकानदारों को कचरा न फैलाने और कचरे को डस्टबिन में डालने के लिए जागरूक किया। इस दौरान सदस्यों ने दुकानदारों से आग्रह किया है कि सभी अपनी दुकानों के बाहर डस्टबिन रखें और पर्यटकों व ग्राहकों को समझाया कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालें।